अहम खबर आप तक पहुँचाएं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच से टेलीफोन पर राबता किया है। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है, जबकि लियाकत बलूच ने मुतालबात की फहरिस्त मोहसिन नकवी के सामने रख दी। तफसील जानते हैं, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, बताइए क्या कि फहरिस्त के अंदर कौन कौन से नुकात शामिल हैं? आज बिल्कुल विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता किया है और इस रब्ते के दौरान धरने के जो है मुतालबात वो सामने रखे गए हैं और मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से जमात इस्लामी से मुज़ाकरात चाहती है। और इस मौके पर लियाकत बलोच ने जो है वो कहा कि बिजली के बिल में 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिल में 50% रियायत दी जाए, जबकि बिजली बिल में जो स्लैब रेट खत्म जो है उसे फिलफौर किया जाए, जबकि आईपीपी के साथ कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में अदायगी का जो मुआहदा है उसे फिलफौर खत्म किया जाए। जबकि अब उनका मजीद कहना था कि गरीब तनख्वाहदार तबका जो है टैक्सों का जालिमाना बोझ जो है वो वापस दिया जाए क्योंकि वो उठा नहीं सकता, जबकि पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में जो इजाफा किया है उसे फिलफौर वापस किया जाए और पेट्रोलियम डेवलपमेंट डेवी जो है उसे भी खत्म किया जाए। जी तफसील हमें अपडेट करे थे अदनान शेख, आपका बहुत शुक्रिया।